हाथरस घटना का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाथरस घटना का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी मधुकर का मेडिकल कराया है और फिर कोर्ट में पेशी होगी। एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि हाथरस की एसओजी ने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली के नजफगढ़ में से गिरफ्तार किया था। पूछताछ की गई है। इसकी फंडिंग अभी जाँच के दायरे में है। फंडिंग कहां से आ रही है, डोनर की लिस्ट का संकलन किया जा रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा, फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीति पार्टी द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। और इसमें कल और आज को मिला के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें जो मुख्य आयोजक था उसको गिरफ्तार करा है। उसको दिल्ली से गिरफ्तार करा है, बाकी कुछ लोगों को हमने लोकल हाथों से गिरफ्तार किया। जांच में अब तक क्या क्या सामने आया, उनके बैंक अकाउंट जांच की गई है। देखिए, इनके पब्लिक अकाउंट खाले जा रहे हैं और इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड को भी चेक करा जा रहा है। इनका किसी भी अगर राजनीतिक दल से कोई संबंध है, कार्रवाई की जाएगी। अगर इनके पास ट्रेन निकल कर आता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनका समारोह है, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल दल द्वारा फंडिंग हो रही है, पोषित किया जा रहा है और उसकी हम गहनता से बेचना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग, देखिए अभी जब तक हम बिल्कुल बैंक अकाउंट खंगाल नहीं लेते हैं, बिल्कुल उसकी जो कंप्यूटर निकल लेते हैं। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1,00,000 का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराव से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
पर, जहां मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।